रुपेश पांडे की हत्या पर झारखंड विधानसभा में बवाल। अगर आप सोच रहे हो तो कि हमें सरकार के निर्देश और आदेश पर ही काम करेंगे कानून को छोड़ करके, तो ये सरकार भी बहुत दिनों की मेहमान नहीं रहेगी। और इसलिए मैं आज आप सबसे यह सब कह रहा हूं, प्रशासन को मैं सचेत कर रहा हूं कि भाई आप कानून के लिए काम करिए, आम लोगों की हिफाजत, लोगों की सुरक्षा की गारंटी पे आप दीजिए और इसको आप सुनिश्चित करिए। गठबंधन की सरकार बनी है तब से ये जो जिहादी मानसिकता है, ये जो राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ, इसका मनोबल इस सरकार में बढ़ी है और जिसके परिणाम स्वरूप इस सरकार को 26 महीने होने जा रहे हैं। ये दसवीं घटना। खलील रिजवी की हत्या पर बिहार विधानसभा में सवाल। है कोई गलत काम करेगा, झंझट झगड़ा करवाएगा, धर्म के नाम पे राजनीति करेगा, तो हमने साफ तौर पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है। लेकिन दंगा होता कैसे? दंगा तो ऐसे ही होता है जैसे बात को बहस दे। आप फर्क तो, ये तो स्पष्ट है। एक मिनट, ये तो भड़काने तो जो हुई है, जो विधायक पे कार्रवाई करनी चाहिए। 75 मिनट बोल रहे हैं आप। असल चलिए, अरे भाई आगे बढ़िए, माने नहीं चलिए, बैठ जाइए। हमको भी पता है कि कुछ नहीं करेंगे और कोई बिहार के खौफ में अल्पसंख्यक के जैनुल अंसारी के लोगों ने FIR करने तक की हिम्मत नहीं की है। कितने खौफ में अल्पसंख्यक, और अभी हम समझते हैं कि दूसरे तीसरे दर्जे के हमारे मंत्री हैं, माने मुख्यमंत्री के बाद अपना मकाम रखते हैं विजय चौधरी साहब, उनके क्षेत्र में उनके कार्यकर्ता की निर्मम हत्या की गई और मॉब लिंचिंग की गई, और उस पर क्या मॉब लिंचिंग के लिए बिहार में कानून नहीं बनना चाहिए? क्या अल्पसंख्यकों को इस खौफ के माहौल में रखिएगा तो हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? हत्या हजारीबाग में भी, हत्या समस्तीपुर में भी हुई। नाम था रुपेश पांडे तो झारखंड में बीजेपी की सियासत। अगर आप सोच रहे हो तो कि हमें सरकार के निर्देश और आदेश पर ही काम करेंगे कानून को छोड़ करके, तो ये सरकार भी बहुत दिनों की मेहमान नहीं रहेगी। और इसलिए मैं आज आप सबसे ये सब कह रहा हूं, प्रशासन को मैं सचेत कर रहा हूं कि भाई आप कानून के लिए काम करिए, आम लोगों की हिफाजत, लोगों की सुरक्षा की गारंटी पे आप दीजिए और इसको आप सुनिश्चित करिए। गठबंधन की सरकार बनी है तब से ये जो जिहादी मानसिकता है, ये जो राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ, इसका मनोबल इस सरकार में बढ़ी है और जिसके परिणाम स्वरूप इस सरकार को 26 महीने होने जा रहे हैं। ये दसवीं घटना। नाम था खलील रिजवी तो बिहार में विपक्ष की सियासत। है कोई गलत काम करेगा, झंझट झगड़ा करवाएगा, धर्म के नाम पे राजनीति करेगा, तो हमने साफ तौर पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है। लेकिन दंगा होता कैसे? दंगा तो ऐसे ही होता है जैसे बात को बहस दे। आप फर्क तो, ये तो स्पष्ट है। एक मिनट, ये तो भड़काने तो जो हुई है, जो विधायक पे कार्रवाई करनी चाहिए। 75 मिनट बोल रहे हैं आप। असल चलिए, अरे भाई आगे बढ़िए, माने नहीं चलिए, बैठ जाइए। हमको भी पता है कि कुछ नहीं करेंगे और कोई बिहार के खौफ में अल्पसंख्यक के जैनुल अंसारी के लोगों ने FIR करने तक की हिम्मत नहीं की है। कितने खौफ में अल्पसंख्यक, और अभी हम समझते हैं कि दूसरे तीसरे दर्जे के हमारे मंत्री हैं,
माननीय मुख्यमंत्री के बाद अपना मकाम रखते हैं विजय चौधरी साहब, उनके क्षेत्र में उनके कार्यकर्ता की निर्मम हत्या की गई और मॉब लिंचिंग की गई, और उस पर क्या मॉब लिंचिंग के लिए बिहार में कानून नहीं बनना चाहिए? क्या अल्पसंख्यकों को इस खौफ के माहौल में रखिएगा तो हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? नाम के आधार पर मॉब लिंचिंग की सियासत क्यों? हत्या की घटना में सांप्रदायिकता का सियासी एंगल क्यों? सब लोग इसके लिए चिंतित है, पूरे के पूरे प्रशासन की तरफ से उसके लिए जो भी कार्रवाई है वो सारी की सारी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब इसका नाम दूसरा करेंगे, इसको पूरे तौर पर एक तरह से इसको सांप्रदायिक बनाने की कोशिश करेंगे। इसका उससे कोई मतलब नहीं सांप्रदायिकता से, ये बिल्कुल अपराध है। एक व्यक्ति की दूसरे ने हत्या की, जो भी हत्यारा है उस पर जो भी पुलिस को काम करना है करके कोर्ट तक के केस को पहुंचाएं। पांडे और रिजवी देखकर होती है सियासत? पांडे और रिजवी देखकर क्या सियासत होती है? ये तस्वीर एक तरफ खलील रिजवी और एक तरफ रुपेश पांडे, एक तरफ रुपेश पांडे पर झारखंड में सियासत और खलील रिजवी पर बिहार में सियासत, आखिर क्यों? मॉब लिंचिंग की घटनाएं हों या हत्या की घटनाएं हों, जघन्य घटना होती है, जघन्य अपराध माना जाता है और कानून को अपना काम करना चाहिए, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। अगर पुलिस अपना काम नहीं करती है तो सवाल बनता है, और सवाल हत्या और मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर। लेकिन क्या सियासतदान इन सवालों में सांप्रदायिकता का रंग देने की कोशिश करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि बीजेपी को मुफीद लगता है रुपेश पांडे और आरजेडी और कांग्रेस को मुफीद लगता है खलील रिजवी? था रुपेश पांडे तो झारखंड में बीजेपी की सियासत। अगर आप सोच रहे हो क्योंकि हमें सरकार के निर्देश और आदेश पर ही काम करेंगे कानून को छोड़ करके, तो ये सरकार भी बहुत दिनों की मेहमान नहीं रहेगी। और इसलिए मैं आज आप सबसे ये सब कह रहा हूँ, प्रशासन को मैं सचेत कर रहा हूँ कि भाई आप कानून के लिए काम करिए, आम लोगों की हिफाजत, लोगों की सुरक्षा की गारंटी भी आप दीजिए और इसको आप सुनिश्चित करिए। गठबंधन की सरकार बनी है, तब से ये जो जिहादी मानसिकता है, ये जो राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ, इसका मनोबल इस सरकार में बढ़ी है, और जिसके परिणाम स्वरूप इस सरकार को 26 महीने होने जा रहे हैं। ये दसवीं घटना। नाम था खलील रिजवी तो बिहार में विपक्ष की सियासत। है कोई गलत काम करेगा, झंझट झगड़ा करवाएगा, धर्म के नाम पे राजनीति करेगा, तो हमने साफ तौर पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है। लेकिन दंगा होता कैसे? दंगा तो ऐसे ही होता है जैसे बात को बहस। महोदय आप तो ये तो स्पष्ट है, एक मिनट, ये तो भड़काने तो जो हुई है, जो विधायक पे कार्रवाई करनी चाहिए। 75 मिनट बोल रहे हैं आप, असल चलिए, अरे भाई आगे बढ़िए, माने नहीं करिए, बैठ जाइए बैठ जाइए। खौफ है अल्पसंख्यक के जैनुल अंसारी के लोगों ने FIR करने तक की हिम्मत नहीं की है, कितने खौफ है अल्पसंख्यक। और अभी हम समझते हैं कि दूसरे तीसरे दर्जे के हमारे मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री के बाद अपना मकाम रखते हैं विजय चौधरी साहब, उनके क्षेत्र में उनके कार्यकर्ता की निर्मम हत्या की गई और मॉब लिंचिंग की गई, और उस पर क्या मॉब लिंचिंग के लिए बिहार में कानून नहीं बनना चाहिए? क्या अल्पसंख्यकों को इस खौफ के माहौल में रखिएगा तो हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? तस्वीर दो है, घटनाएं भी दो है, राज्य भी दो है और नाम भी दो है, लेकिन सियासत एक जैसी है। झारखंड के हजारीबाग में रुपेश पांडे की 6 फरवरी को सरस्वती विसर्जन के दौरान हत्या हुई, तो बिहार के समस्तीपुर में 17 फरवरी को खलील रिजवी की अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या कर शव को जलाकर फेंक दिया गया। दोनों ही घटनाएं हत्या की हैं,
और दोनों ही मामलों में पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन दोनों ही घटनाओं में मरने वालों के नाम और हत्या के आरोपियों के नाम के हिसाब से सियासत शुरू हो गई और मॉब लिंचिंग से लेकर सांप्रदायिकता का एंगल दिया जाने लगा, क्योंकि नेताओं को सियासी रोटी सेकने के लिए नाम और सरनेम में बहुत कुछ रखा है। बारी बारी से देखते जाइए दोनों मामलों को। पहले जानिए समस्तीपुर में खलील रिजवी की हत्या और सियासत को। नाम खलील रिजवी, जेडीयू नेता, 17 फरवरी को अपहरण के बाद हत्या। हत्या के सभी आरोपी गिरफ्तार। पुलिस का दावा, बकाया पैसे को लेकर हत्या। विपक्ष का आरोप, गाय के नाम पर की गई हत्या। 16 तारीख को शाम में से ही फोन आ रहा था कि 5 लाख रुपया दो और खलील के अकाउंट पर लगाओ। फिर पापा के नंबर पर फोन आया कि 3,75,000 रुपया लगाओ, हाँ नहीं तो इसका किडनी निकाल लेंगे, आँख निकाल लेंगे, बेच लेंगे, नहीं तो जान से मार देंगे, नहीं तो पैसा लगाओ, इसी के अकाउंट पर लगाओ। हम बोले भाई कहाँ लगाना है, पैसा कैसे लगाना है बताइए, नहीं होता तो पैसा आकर के दे देंगे, अगर आपका बकाया उकाया भी होगा तो कोई बात नहीं है। बोले जितना कहे उतना करो, बख्शोदी मत करो, पैसा लगाओ, चले मोबाइल बंद कर, बात नहीं करे के, बस इतना करके मोबाइल बंद कर दिया, उसके बाद ऑफ नहीं, ऑन नहीं किया मोबाइल। ये बयान उस खलील रिजवी के परिजनों का है जिस खलील रिजवी की हत्या 17 फरवरी को अपहरण के बाद की गई। खलील रिजवी के परिजन भी बकाए पैसे और पैसे के लेन देन की विवाद की बात कहते रहे। पुलिस भी बकाए पैसे के कारण हत्या की बात कहती रही और आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन एक वायरल वीडियो के आधार पर विपक्ष ने इसे मॉब लिंचिंग और गाय के नाम पर हत्या कहकर सांप्रदायिकता से जोड़ना शुरू कर दिया। आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल से वायरल वीडियो को ट्वीट करते हुए गाय के नाम पर हत्या से जोड़कर सरकार पर हमला किया। वहीं विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर AIMIM के नेता ने भी इसे मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिकता से जोड़कर सरकार से सवाल पूछा। कोई गलत काम करेगा, झंझट झगड़ा करवाएगा, धर्म के नाम पे राजनीति करेगा, तो हमने साफ तौर पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है। लेकिन दंगा होता कैसे? दंगा तो ऐसे ही होता है जैसे बात को बहस। महोदय आप फर्क, ये तो स्पष्ट है, एक मिनट, ये तो भड़काने जो हुई है, जो विधायक पे कार्रवाई करनी चाहिए। 75 मिनट बोल रहे हैं आप। असल चलिए, अरे भाई आगे बढ़िए, माने मुझे नहीं, बैठ जाइए बैठ जाइए। खौफ में अल्पसंख्यक के जैनुल अंसारी के लोगों ने FIR करने तक की हिम्मत नहीं की है, कितने खौफ में अल्पसंख्यक। और अभी हम समझते हैं कि दूसरे तीसरे दर्जे के हमारे मंत्री हैं, माने मुख्यमंत्री के बाद अपना मकाम रखते हैं विजय चौधरी साहब, उनके क्षेत्र में उनके कार्यकर्ता की निर्मम हत्या की गई और मॉब लिंचिंग की गई, और उस पर क्या मॉब लिंचिंग के लिए बिहार में कानून नहीं बनना चाहिए? क्या अल्पसंख्यकों को इस खौफ के माहौल में रखिएगा तो हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? सवाल का जवाब CM नीतीश ने भी दिया और घटना में कड़ी कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए इसे सांप्रदायिकता से जोड़ने की बात को गलत बताया। सब लोग इसके लिए चिंतित है और पूरे के पूरे प्रशासन की तरफ से उसके लिए जो भी कार्रवाई है वो सारी की सारी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब इसका नाम दूसरा करेंगे, इसको पूरे तौर पर एक तरह से इसको सांप्रदायिक बनाने की कोशिश करेंगे, इसका उससे कोई मतलब नहीं सांप्रदायिकता से। ये बिल्कुल अपराध है, एक व्यक्ति की दूसरे ने हत्या की, जो भी हत्यारा है उस पर जो भी पुलिस को काम करना है करके कोर्ट तक के केस को पहुंचाएं। यानी नाम खलील रिजवी था तो बिहार में विपक्ष ने सियासी रोटी सेकना शुरू कर दिया। अब जान लीजिए हजारीबाग में रुपेश पांडे की हत्या और सियासत को। नाम रुपेश पांडे, 6 फरवरी को हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार, 27 पर मामला दर्ज। पुलिस का दावा, आपसी रंजिश में हुई हत्या। विपक्ष का आरोप, सरस्वती विसर्जन विवाद में हत्या। हजारीबाग में 6 फरवरी को रुपेश पांडे की हत्या हुई, तब सरस्वती विसर्जन का दिन था। रुपेश की हत्या के बाद तुरंत इस हत्या को सांप्रदायिकता का रंग दिया जाने लगा, इलाके में तनाव हुआ, कई जगहों पर हंगामा और बवाल हुआ और प्रशासन को धारा 144 लागू करनी पड़ी। पुलिस के मुताबिक रुपेश पांडे के साथ मारपीट की गई जिसकी वजह से उसकी मौत हुई और घटना का सरस्वती पूजा विसर्जन से कोई लेना देना नहीं है। वहीं मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और 27 लोगों को नामजद FIR दर्ज किया गया है। हालांकि बीजेपी ने इसे मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिकता के एंगल से जोड़ते हुए सियासत शुरू कर दी। पूर्व CM रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश जैसे नेता पीड़ित के घर पहुंचे और जमकर सरकार पर हमला बोला।
विधानसभा में भी इस मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ। अगर आप सोच रहे हो तो कि हमें सरकार के निर्देश और आदेश पर ही काम करेंगे कानून को छोड़ करके, तो ये सरकार भी बहुत दिनों की मेहमान नहीं रहेगी। और इसलिए मैं आज आप सबसे यह सब कह रहा हूँ, प्रशासन को मैं सचेत कर रहा हूँ कि भाई आप कानून के लिए काम करिए, आम लोगों की हिफाजत, लोगों की सुरक्षा की गारंटी का आप दीजिए और इसको आप सुनिश्चित करिए। गठबंधन की सरकार बनी है, तब से ये जो जिहादी मानसिकता है, ये जो राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ, इसका मनोबल इस सरकार में बढ़ी है और जिसके परिणाम स्वरूप इस सरकार को 26 महीने होने जा रहे हैं, ये दसवीं घटना। वहीं दूसरी तरफ 28 फरवरी को रांची में रूपेश पांडे के परिजनों ने सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर इंसाफ की मांग की, जिस पर सीएम ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। रूपेश पांडे हो या खलील रिजवी, हत्या किसी की भी जघन्य अपराध है और अगर मॉब लिंचिंग है तो इससे भी ज्यादा जघन्य। लेकिन सवाल है कि झारखंड में रूपेश पांडे पर आरजेडी कांग्रेस की चुप्पी है और खलील रिजवी पर बिहार में सवाल, वहीं बिहार में खलील रिजवी पर बीजेपी की चुप्पी है और झारखंड में रूपेश पांडे पर सवाल। हर बार सियासतदान नाम और सरनेम देकर ऐसी घटनाओं पर सियासत क्यों करते हैं? आखिर मॉब लिंचिंग और सांप्रदायिकता के मामलों में वोट बैंक की सियासत क्यों करते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और आप कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाएं जब होती हैं तो सियासत तो होती है, लेकिन क्या वाकई जो नेता दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक वर्ग, एक जाति या एक धर्म के ही लोग पीड़ित हैं, ऐसा नहीं। मॉब लिंचिंग हो या हत्या जैसी जघन्य घटनाओं में हर वर्ग, हर धर्म, हर जात के लोग पीड़ित होते हैं, क्योंकि उसमें मकसद साफ है, अपराध। लेकिन उसमें सांप्रदायिकता का रंग देने की कोशिश नेता करते हैं ताकि वोट बैंक की सियासत हो सके। देखिए जरा, 2015 से 2020 के बीच लिंचिंग से मौत का आंकड़ा देश में 145 था। 2020 तक लिंचिंग के शिकार लोगों में हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। लिंचिंग के शिकार 145 में 71 मुस्लिम थे तो बाकी हिंदू थे। ये स्टेप्स फाउंडेशन नाम की संस्था ने आंकड़े जारी किए जिसके मुताबिक हमने आपको बताया। और सबसे ज्यादा लिंचिंग की घटनाएं झारखंड में हुई। 17 मार्च 2016 से 4 जनवरी 2022 तक झारखंड में लिंचिंग के 58 मामले सामने आए हैं और झारखंड में लिंचिंग के इन 58 मामलों में 35 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 15 मुस्लिम, 11 हिंदू, 5 आदिवासी, 4 ईसाई शामिल है। ये जरा समझिए, हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, ईसाई सब हैं। वहीं अब झारखंड में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून भी लागू है। 21 दिसंबर को मॉब लिंचिंग विधेयक पास किया गया और ये कानून लागू होगा, लेकिन मॉब लिंचिंग विधेयक लागू होने के बाद भी मामले थम नहीं रहे हैं। हर बार बिहार में भी मॉब लिंचिंग के कई मामले सामने आए हैं। 2019 में जुलाई से सितंबर के बीच आपको याद होगा लिंचिंग की 39 घटनाएं सामने आई थी और इन 39 घटनाओं में 14 की मौत हुई थी, 45 घायल हुए थे। और हर बार मॉब लिंचिंग के मामले में सियासत होती है, नाम और सरनेम के हिसाब से नेता सियासी रोटी सेकते हैं, सियासत करते हैं, क्योंकि उन्हें वोट बैंक बटोरना रहता है। इसलिए जरूरी है कि इस तरह के मुद्दों पर अगर नाम और सरनेम के हिसाब से आपको भड़काने की कोशिश की जाए तो आप सतर्क हो जाएं। लौटते हैं बस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के उस पार बिहार विधानसभा और झारखंड विधानसभा में आज क्या हुआ बताएंगे। आप देख रहे हैं बात सपाट, बात बिहार विधानसभा के बजट सत्र की। बजट सत्र में आज की कार्यवाही में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई और इस दौरान एक अलग नजारा देखने को मिला। तेजस्वी के संबोधन के दौरान हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान को लेकर तेजस्वी ने आरएसएस पर निशाना साधा, जिसके बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भड़क गए और उसके बाद हंगामा हुआ तो तेज प्रताप का गुस्सा देखने लायक था। जरा देखिए, सदन में माननीय एक सदस्य की टिप्पणी नहीं आई है और उस पर आपने उसका स्पष्टीकरण भी ले चुके। शांति बनाए रखा, बैठिए ना।
टिप्पणी करना सरासर गलत है। शांति बनाए रखे, बैठ जाइए। सदन, अरे बैठो ना। सदन 2:45 तक के लिए स्थगित की जाती है। अरे बैठो ना। और इसी के साथ बात सपाट में आज बस इतना ही। नमस्कार।